নন্দিনী কি মুশকিল। কুনাল কা হালে দিল, দিল কি ধড়ক, অনজানে প্যার কি তড়প। ठीक एक मियां बीवी की तरह हाथों में हाथ डालकर आज कुणाल बन गए हैं नंदिनी के हमसफर। जी हां, आहिस्ता आहिस्ता कुणाल और नंदिनी एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं और इनका ये बेफिक्रा दिल अब इनके ही काबू में नहीं रहा। कुणाल गए तो थे मीटिंग के सिलसिले से पुणे, लेकिन जब इन्हें पता चला कि नंदिनी इनके पीछे अपना घर छोड़कर कहीं चली गई हैं, तो जनाब मौली को बिना कुछ बताए सीधे नंदिनी को लेकर पहुंच गए उनके घर। फिर क्या था, जिस बात का था डर वही हुआ। अकेले घर में नंदिनी और कुणाल अपने दिल की धड़क को आखिर कब तक काबू करते। क्या हो रहा था, तो मौली को इतना आइडिया नहीं है, बट मैं बहुत परेशान और उदास हो रही होती हूँ अपने घर में। सो आई डिसाइड कि लेट मी गो मीट नंदिनी, और मैं नंदिनी से मिलने उसके घर पहुँचती हूँ। तो वहाँ पर डेफिनेटली कुछ हो रहा था जो ऑडियंस को तो पता चले गई, बिकॉज कुणाल इज़ देयर एंड, पर मुझे कुछ भी नहीं उस बारे में पता है। एक पल के लिए खुद नंदिनी भी सब कुछ भूलकर कुणाल के गले जा लगी। कुणाल के लिए चाय बनाते बनाते चाहत की मिठास कब इनके बीच खुल गई, इन दोनों को पता ही नहीं चला। नहीं, आई थिंक ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसमें, मतलब लोग मुझसे कहते हैं मौली को क्यों नहीं समझ में आता, मौली को नहीं समझ में आता, बिकॉज मौली के दिमाग में नहीं है अभी तक कोई भी शक का बीज, तो इसलिए अभी तक उसके दिमाग में ये बातें नहीं आती। नंदिनी का बार बार शर्माना और कुणाल का अपना प्यार जताना, भाई ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है। एब्सोल्युटली वो जान के अनजान नहीं बन रही है, बट आई थिंक इट्स टू मच ऑफ ट्रस्ट ऑन समबडी, इट्स टू मच ऑफ थिंकिंग कि दिस डेफिनेटली माई हस्बैंड एंड माई बेस्ट फ्रेंड, दे कैन नॉट डिच मी और यू नो, तो आप ऐसा सोच ही नहीं सकते। सोचना शुरू कर दीजिए मौली, क्योंकि अब बात हाथ से जो निकल चुकी है। जैसे ही कुणाल किसी काम के लिए नंदिनी के घर से बाहर गए, उसके थोड़े ही देर बाद मौली भी अपनी सहेली नंदिनी से मिलने उनके घर पहुंच गई। कुणाल की मौजूदगी में मौली को अपने घर में देखकर नंदिनी के होश उड़ गए, और मौली इन सब बातों से अनजान नंदिनी के हाथों की खीर खाने की बात करने लगी। नहीं, मुझे खीर की स्मेल आई और मुझे लगा खीर की खुशबू आई, और मैंने नंदिनी से कहा वाह खीर बनी है, तुम्हें कैसे पता कि मतलब मैं आने वाली हूँ और मैं उदास हूँ, तो खीर ही मुझे चीयर अप कर सकती है। तो मैं आई टेक, क्योंकि आई थिंक उसके दिमाग में बिल्कुल वहम ही नहीं है, सो इग्नोरेंस इज ब्लिस, आई थिंक दिस इज वॉट इज हैपनिंग टू मौली स्टिल। जब उसे पता चलेगा तो उसे लगेगा कि शिट मैंने कितने सारे साइंस मिस करे, लेकिन फिलहाल के लिए तो मौली इज रियली क्लियर इन द हेड, उसके दिमाग में कुछ गलत चीज है ही नहीं, तो उसको समझ भी नहीं आ रही ये साइंस। नंदिनी की हवाइयां ये सोच कर उड़ी जा रही हैं कि कहीं कुणाल वापस ना लौट आए और मौली से हो जाए आमना सामना। वैसे नंदिनी आज तो आप बच गई, लेकिन कब तक छुपाएंगे इस सिलसिले को जो आपके और कुणाल के बीच शुरू हो चुका है। एक ना एक दिन तो करना ही पड़ेगा सच से सामना, उस दिन के लिए तैयार रहिए आज तक ब्यूरो।